Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Bharti! Happy birthday to you! Happy birthday to you! किसने मुझे पूछ के वीडियो चालू किया? बंद करो। हाय जावेद जी, हेलो। मैं अचानक से ही लाइव आ जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने 10 मिनट्स पहले बोल दिया कि मैं लाइव आ रही हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू जस्सी, थैंक यू अमित ने पूछा कि लिम्बाचिया साहब कहाँ है, तो दिखा देते हैं। लिम्बाचिया साहब आज मेरा ड्राइवर बने हैं। कैसे हैं साहब? सॉरी, वो बात नहीं कर सकते क्योंकि ड्राइव कर रहे हैं, इसीलिए। हाय रितिका, बड़ा मजा आ रहा है, आज बर्थडे है, आज इतना पैम्पर किया जा रहा है, कहीं रोज यही करता आज तो मजा आता। हर्ष मुझे कहीं लेके जा रहे हैं बैंड्रा, और बोल रहे हैं कि आपके लिए कुछ सरप्राइज है, गिफ्ट है, पता नहीं क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई साड़ी ले देगा वहां से? पराग साड़ी 350 में बर्थडे। मेरा हीरो है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। मैं तो चला गया लाइव। सो गाइस, हर्ष के फोन से लाइव आ रही हूँ मैं। उधर आ जाओ फटाफट, हर्ष के फोन पे आ जाओ। शिफ्ट हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ। आ गए आ गए आ गए आ गए। हेलो हेलो हेलो, हाय। अभी का आई? अभी का आ रही है। आई? हेलो, व्हाट्स अप, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद लाइव आए हैं हम। और कैसा जा रहा है आप सबका लॉकडाउन? ये देखिए, मेरे फोन से क्यों नहीं हो रहा था? बस ऐसे ही दो। सो आज हमारी प्यारी अविका बालिका वधु, हाँ, उसका बर्थडे भी है, तो आज वो भगवान की दया से 35 साल की हो गई है 35 इयर्स की। इतनी जोर से हंसे कि मेरे बाल उड़े। हाय करी उड़ाई ला ला ला। सो हम अविका का वेट कर रहे हैं कि अविका आए तो हम उनसे बात करें। राइट, सो कैसे हैं? थैंक यू सो मच गाइस, मैंने कहा था कि सोना मत हम आएंगे और आप सोए नहीं। भारती माय लाइफ लाइन लग रही है। भारती बहुत पतली लग रही है। किसने कहा? मैं उसको पर्सनल रिक्वेस्ट भेजती हूँ। हाँ मैं हुई हूँ थोड़ी। अभी कहा गए रिक्वेस्ट है? ओके, गो लाइव विद अभिका। वेटिंग। हूज बर्थडे? हर्षू माय लेजेंड, थैंक यू। अरे आपका बर्थडे, सॉरी, मुझे लगा मेरे को बोल रहे हो। मेनी मेनी हैप्पी डेज ऑफ द डे हर्षू माय लेजेंड। ये जो माधुरी दीक्षित बना हुआ है तू पीछे। अभी ये नंगा बैठा हुआ था बिना टी शर्ट के, मैंने बोला लाइव जाना लाइव जाना है, फिर फटाफट टी शर्ट पहन ली। और तुम्हारो बर्थडे छे, तुम्हारो बर्थडे का दिवस में तुमको बहुत बहुत बधाई छे। थैंक यू छे। कैसा क्या बर्थडे के वो बर्थडे है तो मजा आवी। आज अविका 35 साल की हो गई है गाइस, ब्लेसिंग दीजिए कि ऐसे ही प्यारी उम्र बढ़ती रहे और बच्ची लगे ही ना के बड़ी है। अविका की एज किसी को बता नहीं सकते, सबको पता है, पता है सबके सामने, हमारे सामने बड़ी हुई। अभी भी मेरे साथ ये होता है, व्हेनेवर आई गो फॉर सम एडल्ट मूवी और समथिंग, लोग मुझे रोक लेते हैं, ये आप तो छोटे हो ना।
कहती थी अंकल मुझे जाने दो, कहते नहीं, मैं रुकी ये बोलती हूँ कि 10 साल पुराने, 10 साल पुरानी बात है, अब भूल जाओ. अभी का कैसे बनाया बर्थडे? मैं घर पे थी, मैं शीरो के साथ बहुत खेली, मैंने बहुत खाया, फिर बर्तन किए, फिर झाड़ू किया और बस. कुछ दिनों में इनका भी बर्थडे है, आई होप ये भी मैं भी खाऊंगी, बर्तन करूंगी, झाड़ू करूंगी. बस अभी हम, मैं देख रही थी अली के साथ थे और हमको आज लाइव तुम्हारे साथ जुड़ के बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़े अच्छे कॉज के लिए हम जुड़े हैं. और तुम इतनी छोटी सी हो लेकिन इतनी बड़ी सोच, अभी का गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच. मतलब सीरियसली सपोर्ट नहीं, आई थिंक ये बिकॉज ऑफ द सपोर्ट आप लोगों ने और बाकी सबने जो सपोर्ट दिया है, क्योंकि मैं कर रही हूँ जो मेरे कैपेसिटी में है, लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये बहुत सारे लोगों तक पहुंच नहीं पाती बात. एंड दैट इज द रीजन मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया और बाकी सबसे भी कि मुझे ये लाइव करना है, क्योंकि आजकल काफी लोग देख रहे हैं, ये सब बहुत फ्री हैं लोग. बिल्कुल. अभी का मैं चाहती हूँ कि अभी देखो 11 बज रहे हैं और 4000 लोग हमारे साथ लाइव हैं. सो मैं कह रही हूँ कि अभी का एक बार मैं कहती हूँ कि सब लोगों को बताओ कि हम क्यों आज लाइव आए हैं. यस डेफिनेटली. सो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरे बर्थडे पे मुझे कुछ अलग करना था, तो उसका आइडिया कहाँ से आया. मैं बहुत टाइम से कुछ अच्छा करना चाह रही थी अपने बर्थडे पे, डोनेशन ये वो तो मैं करती रहती हूँ, तो मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग करना था. और कैम डायरीज एनजीओ जो है, जिसे मैं बहुत दिल से चाहती हूँ, क्योंकि मैंने उनका काम देखा है, मैं उन बच्चों से मिली हूँ, मैं उन वॉलंटियर्स से मिली हूँ, उनका प्लान कौन सी सिटीज में है, दे हैव ऑलरेडी क्रॉस 9 सिटीज एंड दे हैव इम्पैक्टेड 6000 चिल्ड्रन. सो यस. और इस सब के बाद मैंने यू नो सी द प्लानिंग कि आगे क्या करना है, उनको एक्सपांड करना है, तो उनको सिर्फ एक ही चीज रोकती है एक्सपांड करने से, वो है फंड्स. क्योंकि हम बहुत लोग हैं जो सोशल वर्क करना चाहते हैं, अच्छी चीजें करना चाहते हैं, बट यू नो जब करने की बारी आती है फंड्स उन्हें रोक देता है कि कैसे कर पाएंगे, और रिसोर्सेज. सो हम इसमें थे कि हम सोच में थे कि करें कैसे, क्या करें कि लोग इंस्पायर हो, डोनेट करें. तो मैंने सोचा मैं तो कर रही हूँ और मेरा बर्थडे भी आ रहा है और लोग फैंस जो है हमें गिफ्ट्स बहुत भेजते हैं बर्थडे के दिन, बुकेज, चॉकलेट्स, टेडीज, ये सब. एंड पिछले साल तक तो मैं बहुत ही खुश थी कि अरे आई लव गिफ्ट्स, मुझे फैंस इतने सारे गिफ्ट्स भेजते, मेरा पूरा घर भर जाता है गिफ्ट से. बट इस साल इट हिट मी कि मैं उनका 3 दिन बाद कुछ नहीं करती और वो वेस्ट जा रहा है. और मैं ये सोच रही थी कि नाउ दैट एक कैम डायरीज जैसा एनजीओ जो इतना अच्छा काम कर रहा है, एंड वो अब रुक इसलिए रहा है या स्लो इसलिए हो गया है क्योंकि फंड्स नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने फैंस को कहूं कि मुझे इस बार गिफ्ट्स नहीं चाहिए, चॉकलेट्स नहीं खाने क्योंकि मुझे पतला होना है. तो मैंने सोचा कि मैं अपने फैंस को कहूं कि मुझे जो गिफ्ट्स में आप जो पैसे आप देना चाहते हो, आप जो प्यार ऑफर करना चाहते हो, वो डोनेट करो कैम डायरीज को, क्योंकि मैं उन्हें अच्छे से जानती हूँ, मैं उन्हें ट्रस्ट करती हूँ, मैंने उनका काम देखा है. एंड उसके साथ ही मैंने डिसाइड किया कि मेरा बर्थडे है तो मुझे एक्स्ट्रा डोनेशन तो करना चाहिए. तो मैंने सोचा कि जो भी डोनेशन आएगा लोगों से, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने 1000 रुपीज किया तो आई विल एड 1000, अगर किसी ने 500 किया आई विल एड 500. सो ऐसे करते करते अभी काफी सारे फंड्स आ चुके हैं. तो आई एम मैचिंग द अमाउंट एंड इस चक्कर में हम लोग डबल डोनेशन कर रहे हैं कैम डायरीज को. एंड मैं ये अपने बर्थडे पे इसलिए करना चाहती थी क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत मेमोरेबल दिन रहने वाला है, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत स्पेशल है, स्पेशली अपने लोगों से मैं बहुत दूर हूँ, मैं किसी के साथ ना तो मिल पा रही हूँ ना पार्टी कर पा रही हूँ, तो मैं अपने लोगों से दूर हूँ. मैं चाहती थी कि मैं कैसे कनेक्ट करूँ ऐसे कि वो भी इंस्पायर हो, मैं भी खुद को इंस्पायर करूँ और बाकी जो लोग देख रहे हैं वो भी इंस्पायर हो. एंड दैट इज द रीजन कि मैंने ये सोचा कि बर्थडे पे ये करना चाहिए. और आई जस्ट होप पीपल डोनेट इवन मोर. एंड स्पेशली नाउ दैट वी आर ऑन दिस लाइव आई वुड लाइक टू टेल ऑल द हर्ष एंड भारती फैंस, बिकॉज मुझे इतने मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए. और मैंने ये आप लोगों का जो पोस्टर था मैंने लास्ट में रिवील किया, जस्ट बिकॉज मैं जानना चाहती थी कि ये मतलब ये जो लास्ट वाली फीलिंग आती है वो क्या होती है. और लोग जो एक्साइटेड थे दे वेंट क्रेजी, दे वर सो एक्साइटेड थे. मैं बार बार हर्ष को बोल रही हूँ हर्ष वो निकलना चाहे हर्ष, क्योंकि मैं कहीं और रीडिंग के लिए गई हुई थी क्योंकि शूट शुरू हो रहे हैं,
हर्ष का भी परसों से शूट चालू है, हर्ष वहां से रीडिंग करा रहा था. मैं क्या हर्ष, मैंने अविका को भी बोला 9 बजे रिमाइंडर देना, हर्ष तुम भी बता देना मुझे लेने आ जाना मुझे. हम मतलब 9:30 तक घर पहुंच गए. फिर मैंने अविका को बोला कि अविका मुझे बता देना मैं तो लिपस्टिक लगा लूं. और तुमको पता है ठीक लाइव जाने से पहले मेरा ऐसे भी हुआ था थोड़ा, मैं कह नहीं नहीं लाइव जाना है. लेकिन अविका आपको आरती सिंह जो कृष्णा है हमारा उसकी सिस्टर आपको बर्थडे विश कर रही है. हाय आरती. हेलो आरती, थैंक यू सो मच. आरती बड़ी फनी है यार, अपनी मम्मी को नचा रही थी. हां हां गलियां ये चो ऐसे करके. तो गाइस अविका बहुत अच्छा काम कर रही है और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हमें इंस्टा पे फॉलो करते हैं, अविका को करते हैं प्यार करते हैं बहुत. तो 1,000 रुपया 2,000 रुपया बहुत छोटी चीज है. हम लोग जब लॉकडाउन खुला होता था सब नॉर्मल था, तो डिनर के लिए जाते थे तो 5-5, 6-6 हजार बिल आ जाता है. आप सोचिए कि उस चीज